जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आपका अपना दैनिक यानी डेली राशिफल लेकर। क्या कहते हैं आपके सितारे, तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं आज के आसमान में जो ग्रह हैं उनकी स्थिति की ओर, कि कौन सा ग्रह किस राशि में स्थित है, जिसे कि हम ग्रह गोचर के नाम से जानते हैं। तो यहां पर सूर्यदेव उच्च के होकर मेष राशि में विराजमान है। बुधदेव भी अपने मित्र सूर्य के साथ मेष राशि में ही विराजमान है। शुक्र देवता अपने खुद के घर में यानी वृष राशि में विराजमान है। चंद्र देवता शुक्र देवता के साथ ही उच्च के होकर वृष राशि में विराजमान है। राहु महाराज मिथुन राशि में विराजमान है। केतु महाराज जो हैं वो धनु राशि में विराजमान है। और मकर राशि में शनि देव अपने घर में विराजमान है, जबकि मकर राशि में ही मंगल देवता उच्च के होकर शनि देव के साथ विराजमान है। किंतु यहां पर बृहस्पति देवता जो हैं नीच भाव में विराजमान है, किंतु इन तीनों के एक साथ होने से यहाँ बृहस्पति देवता पे नीच भंग का योग होता है। तो इस प्रकार से ये ग्रह गोचर की स्थिति है, जिसके फलस्वरूप ही आपको फल प्राप्त होते हैं। किंतु ये बात आपको अवश्य समझ लेनी चाहिए, इसका रिलेशन डायरेक्टली आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों से है। अगर मान लीजिए आसमान में कोई ग्रह बहुत अच्छा है मगर आपकी जन्म कुंडली में बर्थ चार्ट में वो ग्रह खराब है, तो आपको बहुत अच्छा होने के बावजूद भी उस ग्रह के आसमान में कोई ज्यादा अच्छे फल नहीं मिलेंगे। और इसी प्रकार से अगर आपके जन्म कुंडली में कोई ग्रह बहुत अच्छा होकर विराजमान है किंतु आसमान में वो ग्रह नीच का होकर या क्रूर होकर विराजमान हो रहा है, तो उसके बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव भी आपको नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपका जन्म कुंडली का जो बेसिक ग्रह है वो आपको उस परिस्थिति से संभालने में भरपूर मदद करेगा। तो किसी भी जन्म कुंडली का जो विवेचना करते समय समय स्थिति और काल का भी अवश्य ध्यान रखा जाता है। अगर मैं कहता हूं कि आपका बहुत ज्यादा मान सम्मान होगा, मैंने जैसे कहा और कल भी कहा आज फिर कहने वाला हूं कि वृष राशि में चंद्र देवता आ गए, तो निश्चित रूप से जो वृष राशि वाले लोग हैं उनको बहुत मान सम्मान की प्राप्ति होनी है, धन प्राप्ति होनी है। किंतु समय परिस्थितियां तो इसकी इजाजत नहीं दे रही। ये लॉकडाउन है, ये महामारी, ये घर में बंद रहने से तो हमें इतने बड़े अच्छे प्रभाव नहीं मिल जाने। तो सारी जो स्थितियां होती हैं समय के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर, काल के ऊपर निर्भर करती हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आप अपनी जन्म कुंडली को समझने का प्रयास करें मेरे साथ। इसके साथ ही मैंने आप लोगों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है, जिसका जो डिस्क्रिप्शन है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मोबाइल ऐप का। वहाँ पर आप उस मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से उस लिंक पर डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे फ्री में अपनी जन्म कुंडली के उपाय प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी प्रिंस ऋषि और उनके दो असिस्टेंट, एक साधक एक साधिका, आप लोगों की मदद करने के लिए वहां पूरा प्रयत्न करते हैं, आपको मदद पहुंचाते हैं डायरेक्टली आपको उपाय बताकर। और उसमें से कुछ लोगों को हम लोग भी डायरेक्टली कांटेक्ट कराते हैं अपने असिस्टेंट्स के थ्रू, ताकि उनको मदद दी जा सके। अगर हमें लगता है कि कोई चीज इस तरह का है इनको हमें मदद देनी चाहिए, तो हम अवश्य उनको मदद पहुंचाते हैं। इसके साथ ही प्रारंभ करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2077 26 अप्रैल 2020 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आसमान में रोहिणी नामक नक्षत्र है और शोभन नाम का योग उदय हुआ है। दिन रविवार है। राहु काल आज शाम को 5:14 से लेकर 6:53 तक रहने वाला है। इस समय के दौरान कोई भी शुभ कर्म नहीं करने चाहिए, अन्यथा उनके फल हमें प्राप्त नहीं होते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल गुरु रजनीश ऋषि को, जिसके पहले से ही लगभग 15 लाख फॉलोअर्स हैं,
सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा आप लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और अपने रिश्तेदार या दोस्तों के साथ इसे शेयर भी अवश्य करें। ऐसा करने से हमें प्रेरणा मिलती है आपके लिए और अधिक अच्छा वीडियो लेकर आए। और साथ ही हमने कोरोना के ऊपर एक वीडियो बनाया है, कोरोना का प्रभाव जो है, जो कोरोना नामक वायरस है जिसने हाहाकार मचा रखा है, उसका प्रभाव 25 अप्रैल से, क्योंकि 25 अप्रैल को बुध नीच भाव से निकलकर अपने मित्र के घर में मित्र के साथ जाकर बैठे हैं, तो उनका प्रभाव जो है, जो अभी तक बहुत ज्यादा छुआछूत की बीमारी फैला रहे थे, वो कम हो जाएगा। तो उसके लिए आप हमारा कोरोना पर ये 25 अप्रैल का वीडियो अवश्य देखें, बुध ग्रह का नीच भंग के नाम से है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के राशिफल के साथ। मेष राशि वालों, जैसा कि आपको बार बार बताया जा रहा है कि आजकल आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, सूर्य देवता उच्च के होकर आपकी राशि में विराजमान होने से आपको शुभ फल प्रदान करा रहे हैं, आपको शुभ सूचना दे रहे हैं किसी सरकारी नौकरी, इंटरव्यू, प्रमोशन, जॉब इत्यादि की। आप अपनी बुद्धि कौशल का प्रयोग कर, इस समय बुद्धि देवता भी आपके फेवर में आ गए तो उनका प्रयोग कर सीखता सीखे इस जो लॉलीपॉप है उसे लपकने का प्रयास करिए, चाहे वो सरकारी टेंडर के रूप में हो, प्रमोशन के रूप में हो, इंक्रीजमेंट के रूप में हो, नौकरी की इंटरव्यू के रूप में हो, तो आप उसे लेकर उसे आत्मसात कर आने वाले जीवन की उनको खुशियां प्रदान करने का प्रयास करें। बात करते हैं परिवारजनों के साथ, परिवारजनों के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं और साथ ही साथ परिवारजनों का आशीर्वाद आपको निश्चित रूप से इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है कि आपके मान सम्मान में अवश्य वृद्धि होगी। बात करते हैं भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में, वहां कुछ अड़चन आ रही है किंतु बुद्धि कौशल का प्रयोग कर, बुद्धि विवेक का प्रयोग कर आप अपने भाई बहनों को से अच्छे संबंध बनाने में कामयाब होंगे। माता के साथ की बात करते हैं तो माता का साथ जो है परिवारजनों के साथ मिलकर आपकी खुशियों को 4 गुना बढ़ाने की तरफ जा रहा है, तो माता का आशीर्वाद लीजिए और इस आशीर्वाद को लगातार प्राप्त करते रहिए। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ये जो खुशखबरी बनी थी है गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, एंगेजमेंट, प्रमोशन, इंटरव्यू इत्यादि से संबंधित, तो ये खुशखबरी स्टूडेंटों के लिए ही सबसे ज़्यादा कारगर होगी। तो मेष राशि के सभी स्टूडेंटों को एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है तो उस समय का सदुपयोग करें, अपने बुद्धि विवेक से इस मौके को, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है उसे लपकने का प्रयास करें। किंतु बात करता हूँ उन स्टूडेंट्स की जिनका पढ़ाई लिखाई में अच्छे नंबर नहीं आते, जिनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता, मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आते, ऐसे सभी बच्चों के माँ बाप, युवक युवतियों के माँ बाप कृपया ध्यान से सुने। तो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से साल में आपको सिर्फ एक बार उपाय करवाएंगे, उस उपाय करने से आपको न सिर्फ हर साल पिछली साल से ज्यादा नंबर आएंगे अपितु आपके बच्चे का मन भी पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा। सिर्फ स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप हमें अपॉइंटमेंट बुक कराइए और हम आपकी अवश्य ही गारंटी के साथ मदद करेंगे। किंतु बात करते हैं उन युवक युवतियों की जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं किंतु बार बार प्रयत्न करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे सभी युवक युवतियों से मैं कहना चाहूंगा भाई अपनी जन्म कुंडली की स्थिति में चेक करो, क्या तुम्हारी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का प्रावधान भगवान ने बनाकर भेजा था या नहीं, और अगर नहीं भेजा है तो हम तो क्या सिर्फ भगवान ही कुछ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। किंतु अगर जन्म कुंडली में कमजोर योग है सरकारी नौकरी का तो उस योग को अवश्य मजबूत किया जा सकता है। तो इस बात के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करें, हम निश्चित रूप से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय जो आपको साल में एक या दो बार ही करने होंगे उन उपायों के द्वारा निश्चित ही आपकी भरपूर मदद करते हुए पूरा प्रयास करेंगे कि आप गवर्नमेंट जॉब की क्यू में जाकर खड़े हो सके। किंतु बात करते हैं उन नालायक संतानों की जो अपने माता पिता का अपमान करती हैं, बेइज्जती करती हैं, ऐसे सभी माता पिताओं से विनम्र निवेदन है आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपायों का सहारा लेकर इन समस्त
पीड़ाओं से कष्टों से दूर हो सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर एक अपॉइंटमेंट बुक करा ली है और उसके द्वारा आप वीडियो कॉल के द्वारा, फोन कॉल के द्वारा, ईमेल के द्वारा या स्वयं आकर हमसे मिल सकते हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे किस्से उपाय करके जो साल में एक या दो बार ही करने होंगे उनके द्वारा आप धीमे धीमे करके अपनी संतान को, चाहे उसकी उम्र 15 साल है या 55 साल है, उनको अपने वश में कर सकते हैं। तो आप देर मत कीजिए, शीघ्र ही स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संपर्क स्थापित कर बात करते हैं उन युवक युवतियों की जिनकी शादी की उम्र निकली जा रही है। रिश्ते वाले आते रिजेक्ट करके चले जाते हैं, ऐसे भी सभी युवक युवतियों और उनके परिवारजनों से हम कहना चाहेंगे आपको समझ लेना चाहिए कि जब बार बार एक ही घटना रिपीट होती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ग्रहों की अड़चन आ रही है। अब आप इस अड़चन को दूर करना चाहते हैं अभी शीघ्रता शीघ्र, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करें। हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय, इसमें पूजा पाठ के नाम का कोई ढोंग और प्रपंच नहीं है, कोई बलि आदि जैसी कोई बात नहीं है, उन उपायों के द्वारा आपके शीघ्रता शीघ्र जीवन साथी लाने का प्रयत्न करेंगे। वो भी ऐसे उपाय आपको साल में एक या दो बार करने होते हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क स्थापित करें, हम अवश्य आपकी मदद करेंगे। किंतु जिन लोगों की शादी हो चुकी है उन लोगों की बात करें तो यहाँ मेष राशि वाले ऐसे लोग अपने गुस्से के ऊपर अवश्य कंट्रोल रखें, ये गुस्सा उनके जीवन में, पारिवारिक जीवन में नुकसान उठाने का मौका देगा, क्या आपको परेशानी खड़ी कराएगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए आप जीवन साथी से संबंधित रतन की एक अंगूठी मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा जागृत कराकर अवश्य ही अपने हाथ में धारण करें। और ऐसी अंगूठी नहीं मिल पा रही है तो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे बात करके अपनी जन्म कुंडली हम दिखाकर यह अंगूठी पूरी दुनिया में घर बैठे आप कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे द्वारा। नमस्ते, मैं नागालैंड से हूँ, फिलहाल मैं डिफेंस में कार्यरत हूँ। तो एक दिन मैंने यूट्यूब में गुरु माँ का प्रोग्राम देखा, सब कुछ मेरा ग्रह दशा देख लिया गुरु माँ ने, तो उन्होंने बोला कि रिंग पहनना पड़ेगा, सब कुछ मेरे हस्बैंड के लिए भी दिया और मैंने ऐसे ही पहन के, तो आज गुरु माँ का रिंग पहनने का हफ्ते भर में मेरा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं घर में इतना परेशान था, घर में झगड़ा 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 झगड़ा, और घर में मैं बीमार, रात भर सोती नहीं थी बीमार से, जितना भी काम बनते बनते रुकता था। अभी जब गुरु माँ का रिंग पहनने का ये एक हफ्ते के अंदर में ही मेरे लिए धीरे 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 असर दिखाने लगा, तो सब कुछ ठीक हो गया। अभी मैं रिंग पहना हुआ अभी तो एक महीना भी नहीं हुआ मेरा, अभी ठीक हो गया मेरे लिए सब कुछ, बीमार ठीक हूँ मैं अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर काम बन रहा है। हम लोग इतना प्रॉब्लम से एकदम अंदर में घुट घुट के जी रहा था, वो सब कुछ बाहर निकालने के लिए, हमको खुशियां देने के लिए आपका आशीर्वाद, आपका कृपा और इतना आपका पावर, हम सोच भी नहीं सकता था गुरु माँ, कहीं दिखा लूं तो इतना क्यों लग के इतना भीड़ भड़ाका में बैठना, वो हमारा बस की बात नहीं था गुरु माँ। इतना आपने, हम घर में बैठे बैठे ही आपने इतना हमारा काम और हमारा बीमार और झगड़े सब काम बनने के लिए आपने इतना पावर दिखा दिया गुरु माँ, आपका पावर देख के मैं बहुत खुश हूँ गुरु माँ, और आपका कृपा और आशीर्वाद हमेशा ऐसे बरसा देना गुरु माँ। हमको इतना मिला कि खुशी खुशी मिला, ये मैं सोच नहीं सकती थी। नमस्ते, जय शनिदेव। बात करते हैं भाग्य की, तो भाग्य के हालात आपको अचानक से कोई झटका तो दे सकते हैं आपको ऊपर उठाने के लिए। अगर कार्यस्थल की बात करें तो कार्यस्थल से निश्चित रूप से आपको कुछ ऐसा मौका मिल रहा है जिससे आपके जीवन में अपना दुकान, अपना ऑफिस, अपनी वर्कशॉप, अपनी फैक्ट्री, अपना गोडाउन या अपना शोरूम, और नहीं तो कम से कम आप अपना खुद का मकान तो बना सकें। तो हालात आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, सभी चीजें मिलकर आपको मदद दे रही है कि ये सब चीजें आप अपना बना सकें, अपने व्यापार में उन्नति कर सकें और किराएदारी के झंझट से मुक्ति पा सके। तो हम बात कर रहे थे उन लोगों की जो किराएदारी के झंझट से परेशान है, हर महीने मकान मालिक किराया लेने के लिए छाती पर खड़ा हो जाता है, साथ ही किराया बढ़ाने की या मकान खाली करने की या दुकान या ऑफिस या गोडाउन या फैक्ट्री या वर्कशॉप, आप जिस भी
जगह में किराए की जगह को इस्तेमाल करते हैं, उस जगह के साथ ऐसा ही होता है। तो ऐसे सभी व्यक्ति अपने खुद का मकान, दुकान, ऑफिस, गोडाउन, फैक्ट्री, वर्कशॉप इत्यादि खरीदने के लिए अपने कुछ ग्रहों को मजबूत करें, और उसके लिए सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपायों के द्वारा, जो घर के अर्निंग मेंबर्स हैं वो अपनी जन्म कुंडली दिखाकर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कुछ छोटे से उपाय करेंगे, तो निश्चित ही धीमे धीमे करके वो अपना खुद का मकान, दुकान, ऑफिस, गोडाउन, शोरूम या फैक्ट्री बना पाएंगे। तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमें वीडियो कॉल, फोन कॉल, ईमेल या स्वयं मिलकर आप हमसे संपर्क करिए। हम निश्चित ही आपकी भरपूर मदद करने का तहे दिल से प्रयास करेंगे। बात करते हैं आमदनी की, तो आमदनी के हालात भी जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही फल देते दिखाई दे रहे शनिदेव यहाँ बैठकर। तो आप जैसा जितनी मेहनत करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतनी ही आपको फायदा होगा, आमदनी होगी, बरकत होगी। बात करते हैं प्रेमी प्रेमिकाओं की, जो प्रेम संबंधों में निराशा फील कर रहे हैं, मियां बीबी के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा तनाव मनमुटाव इतना बढ़ता रहता है कि वो धीमे धीमे करके तलाक की तरफ जाने लगते हैं। ऐसे सभी दंपतियों से कहना चाहेंगे आप अपने जीवन साथी को वश में रखने के लिए जीवन साथी से संबंधित रतन की मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत कराकर एक अंगूठी अपने हाथ में अवश्य धारण करें। निश्चित रूप से ऐसा करने से आपके और आपके जीवन साथी के मध्य अच्छे संबंध बनेंगे और आपके बीच में नए सिरे से प्यार का, रोमांस का फीलिंग्स आने लगेगा। ये अंगूठी आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर पूरी दुनिया में घर बैठे कहीं भी हमारे यहाँ से भी मंगवा सकते हैं। ये मंत्र सिद्ध प्राण पत्र से जागृत की गई अंगूठी, जो कि आपके साइज बताने पर उसके हिसाब से बनवाई जाती है। तो ऐसी अंगूठी को घर बैठे प्राप्त करने के लिए बिना किसी चीज के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क स्थापित करें। बात करते हैं उन युवक युवतियों की, जिनका प्रेम संबंध जो है वो टूटने की कगार पर पहुंच गया है, चाहे किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो या उनका जो साथी है उसका मन उनसे ऊब गया है या कोई तीसरा उसके बीच में घुस गया है या आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो कोई भी वजह क्यों ना हो, तो आप लोग स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे तुरंत संपर्क करें। हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपायों के द्वारा, जो आपने साल में एक या दो बार करने होते हैं, उन उपायों के द्वारा आपके जीवन में, आपके प्रेम संबंधों में फिर से मजबूती, फिर से खुशियां लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। वो भी केवल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय के द्वारा, जिसमें न किसी बकरे की बलि है, न किसी मुर्गे की बलि देनी है, न किसी उल्लू की बलि देनी है, न सियार सिंगी जैसी चीजों का कोई इस्तेमाल है। प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय जो स्वयं आपके हाथ में दिखाई देते हैं। तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर फोन कॉल, वीडियो कॉल, ईमेल या स्वयं मिलकर हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं और अपने जीवन को पुनः खुशियों से भरपूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।